फ्रेंचाइजी की बात के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड कर रही है चाय सुट्टा बार कंपनी। आई एम श्योर आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग भी इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जब भी मैं किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूरा डिटेल में रिसर्च करते हैं, उसके बाद में ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस वीडियो को हमने थोड़ा अलग तरीके से बनाया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास में जो चाय सुट्टा बार का आउटलेट है मैं वहां पे गया और वहां की जो ओनर है उनसे मैंने डिटेल में बात की। आपके जो भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों को मैंने उनसे पूछा और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी को कॉन्टेक्ट करना होगा, आप इस आउटलेट पे विजिट मत कीजिएगा क्योंकि ये फ्रेंचाइजी पार्टनर का आउटलेट है, कंपनी का आउटलेट नहीं है। आपको फ्रेंचाइजी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और कंपनी के सारे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से चेक करके उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो कि चाय सुट्टा बार एग्जैक्टली है क्या और इसके साथ साथ उनको ये भी ना पता हो कि वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चाय सुट्टा बार एग्जैक्टली है क्या और वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। दोस्तों चाय सुट्टा बार का पहला आउटलेट 2016 में इंदौर में ओपन हुआ था और सिर्फ 4 साल के अंदर इनके 200 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अलग अलग सिटीज में आपको इनके आउटलेट मिल जाएंगे, इन्होंने दुबई में भी अपना आउटलेट ओपन किया है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कंपनी की तरफ से फ्रेंचाइजी पार्टनर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और इन्होंने जितने भी आउटलेट आज तक ओपन किए एक भी आउटलेट बंद नहीं हुआ, सारे के सारे आउटलेट प्रॉफिटेबल है। इसीलिए दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चाय सुट्टा बार कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि चाय तो होगी होगी, तो इनके पास आपको 10 अलग अलग फ्लेवर की चाय मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनके आउटलेट पे आपको हॉट कॉफी मिल जाएगी, कोल्ड कॉफी मिल जाएगी, मिल्क शेक मिल जाएंगे और आपको खाने के लिए इनके पास मैगी, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, इसके अलावा आइस टी और आइस क्रशर। तो दोस्तों चाय सुट्टा बार इतने सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लोगे तो आप अपने आउटलेट पे इन सारे प्रोडक्ट्स को बेच पाओगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि जब मैं चाय सुट्टा बार के आउटलेट पे गया तो मेरी ओनर से क्या क्या बात हुई। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने उनको पूछा कि आपने फ्रेंचाइजी कितने साल पहले ली थी। ये तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। दोस्तों 2.5 साल पहले इन्होंने फ्रेंचाइजी ली और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हाल फिलहाल में इनके पास 2 फ्रेंचाइजी है, सबसे पहला भाईंदर में है और दूसरा मीरा रोड में है। तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो मैंने इनको पूछा कि आप तो इतने टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हो तो आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। हाँ काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी हम लोगों ने फेस की, तो आगे सबको बताया भी, गाइड भी किया कि चलो ऐसे करो तो ठीक रहेगा। दोस्तों जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इनके एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे अपने आउटलेट पे बेचने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो क्या कंपलसरी है कि उसको सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेचने ही पड़ेंगे। नहीं, हम कर सकते हैं ना, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे फूड है तो फूड अपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है ना कि यहाँ एरिया के हिसाब से जो चलता है हम वही रखें। अब इनकी तरफ से तो हमको चाय पत्ती वगैरह जो है वो इनसे ही लेते हैं ना हम लोग। अच्छा। वहीं से लेते हैं, तो वहीं का जो टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट है। अच्छा। अगर हम यहाँ से लें तो हमको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट्स आप अपने लोकेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल ये आ जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचने वाले हैं क्या उनका रॉ मटेरियल हमको चाय सुट्टा बार कंपनी की तरफ से ही मिलेगा या फिर हमको खुद अरेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलता है, वहाँ से हम लोग कुल्लड़ मंगा लेते हैं जब जरूरत होती है, तो वो उनसे बात करके वो लोग भेजते हैं, उनका पेमेंट हो जाता है, बाकी चाय पत्ती और कॉफी बस। बाकी सारी चीजें बाकी सारा हम यहीं पे अरेंज करते हैं सारा। और शुगर इनकी मधुर ही यूज करनी है, एक बात वो बता दूं। मधुर तो वो भी यही देते हैं? नहीं, वो यहीं कहीं भी मिल जाती है। हाँ तो पैकिंग में आती है? हाँ, 5-5 किलो के पैकेट आते हैं, 2 किलो के 1 किलो के आते हैं, लेकिन ब्रांड मधुर है। तो इससे मतलब फर्क क्या पड़ता है? मतलब आप देखोगे तो अभी टेस्ट में शायद फर्क पड़ता होगा, क्योंकि वो चाय जो है ना, मतलब शुगर जो है ना, थोड़े मोटे दाने हैं। अच्छा। तो उनमें कुछ फर्क होता होगा, लेकिन ब्रांड वही रखते हैं हम, शुगर चेंज नहीं करते। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे कंपनी की तरफ से आपको कुल्लड़ मिल जाएंगे, चाय और कॉफी का सामान मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो भी चीज बनाते हैं जैसे कि मैगी हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए जो भी सामान लगता है वो सारा का सारा आपको ही अरेंज करना पड़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों मैंने उनको पूछा कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन करना चाहता है तो उसको कौन सी मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि चाय बनाने वाली मशीन, डीप फ्रीजर, फ्रीजर, ये सारी चीजें। इसके अलावा कौन सी मशीन कितनी क्वांटिटी में खरीदनी पड़ेगी, प्लीज आप ये भी बताइए। मिनिमम दो तो चाहिए, मिनिमम दो। अभी हमारे पास तीन है, कभी खराब हो गई तो एक एक्स्ट्रा रखी हुई है ऊपर। डीप फ्रीजर एक हमारे पास एक ही है, और ये जो है ये हमने ऐसे स्पेयर में रखा हुआ है फ्रोजन के लिए, क्योंकि जब शेक लगाने होते हैं ना तो, और शेक के लिए फ्रोजन मिल्क की जरूरत होती है, तो दो हो गए। और डीप फ्रीजर को ज़्यादा बेटर है, एक स्पेयर फ्रोजन के लिए और एक दूध वगैरह के लिए, और वेजिटेबल के लिए तो छोटा फ्रिज चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप ये जो मशीन देख पा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या यही मशीन खरीदनी पड़ती है चाय और कॉफी बनाने के लिए। इसी टाइप की ही लेनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा दूसरी मशीन है नहीं इस चाय के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाली जो मशीन है अभी थोड़ी हैवी आ गई है, जब स्टार्टिंग में बहुत लाइट थी, बहुत लोगों ने यूज करना शुरू किया है तो उसके हिसाब से इसमें भी चेंज आ गया है, लेकिन मेन यही है। अच्छा, ऐसा ही। ये मशीन कितने की आ जाती है, मतलब मैं जस्ट आपसे ऐसे जानना चाहता हूँ। ये मशीन अभी 30-35 से लेके 60-65 डिपेंड कर रहा है, अभी कैसे कैसे इसमें ज्यादा ये है। अभी हैवी आ गई है तो अंदर की वो जो पानी की उनकी टैंकी है वो हैवी है। अच्छा। किसी किसी में क्या है कि पानी खत्म हो जाता है तो थोड़ा कोई आवाज विसल जैसी आवाज आती है। अच्छा, अच्छा। पहले क्या था कि हम पानी की यूज करते थे, खत्म हो जाता था तो मालूम नहीं पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था। अच्छा। तो बहुत सारे अभी चेंजेस आ गए हैं, बोलने का ये मतलब। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आ जाता है कि अगर कोई भी चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको कम से कम कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो यही सवाल मैंने उनको भी पूछा कि क्या एक दो एम्प्लॉयज के साथ काम चल सकता है। नहीं, एक दो से तो नहीं चलता है, कम से कम तीन चार तो होने ही चाहिए ना। अभी एक चाय में लगा रहेगा तो पीछे किचन के लिए एक चाहिए, और उसके बाद में आप बैकअप के लिए एक चाहिए। जैसे अगर क्राउड ज्यादा रहता है तो कंटिन्यू चलता है तो एक दे रहा है तो एक बैकअप लगा रहा है ना, क्योंकि चाय बना के आप तुरंत सर्व नहीं करते हो, चाय बना के थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है उसका ऐसे प्रोसीजर ही ऐसा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 3 से 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल जो आपके जहन में होगा कि अगर ये फ्रेंचाइजी लेनी है तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो यही सवाल मैंने उनको भी पूछा। डिपेंड करता है कि हम शॉप कितनी बड़ी ले रहे हैं, उसका इंटीरियर का खर्चा भी आता है। अभी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो फ्रेंचाइजी अमाउंट तो आपको पे करना ही है, करीबन 6 लाख और प्लस GST है। 6 लाख प्लस GST है फ्रेंचाइजी अमाउंट। फ्रेंचाइजी अमाउंट उसके बाद में मतलब जितना बड़ा स्पेस होगा उसके हिसाब से होगा। उसके हिसाब से आप इंटीरियर करवाओगे और इसका जो सामान भरना पड़ता है, जैसे मशीनें वगैरह हैं। अच्छा। यहाँ और जो काम की चीजें हैं वो सब लेनी पड़ती हैं। फिर शुरुआत जो होगी उसमें कुल्लड़ वगैरह मंगवाने हैं जैसे। अच्छा। तो वो स्टार्टिंग में चाय पत्ती, रॉ मटेरियल जो भी लगता है। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी फीस तो 6 लाख रुपए प्लस GST है, लेकिन मैंने उनको पूछा कि अगर कोई आपके जितनी बड़ी दुकान सेटअप करना चाहता है, मतलब 200 से लेके 300 स्क्वायर फुट की दुकान, तो उसके लिए लगभग या फिर कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंचाइजी अमाउंट मिला के 15-20 लाख तक चला जाता है। 15-20 लाख। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको 15-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको इसका ब्रेकअप चाहिए तो मैं इसका ब्रेकअप भी आपको दे देता हूँ। देखिए, 3 लाख रुपए तो आपका लगने वाला है मशीन और इक्विपमेंट के लिए, और उसके बाद में 5 लाख रुपए आपका लगेगा इंटीरियर और फर्नीचर के लिए। इसके अलावा इनिशियल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको जरूरत होगी लगभग 2 लाख रुपए की। तो दोस्तों टोटल हो जाता है 10 लाख रुपया। इसके अलावा फ्रेंचाइजी कॉस्ट तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, 6 लाख रुपए प्लस GST, तो टोटल आपका हो जाता है लगभग 16 लाख रुपए के आसपास। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका आउटलेट जितना छोटा होगा उतना खर्चा कम होगा, जितना बड़ा आउटलेट होगा उतना ही खर्चा आपका ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आउटलेट ओपन करने के लिए कम से कम कितने स्पेस की जरूरत होगी, तो मैं आपको बता दूं इनका जो आउटलेट है वो 70 स्क्वायर फुट के दुकान में भी खुला हुआ है, इसके अलावा 7000 स्क्वायर फुट के दुकान में भी खुला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी फिक्स स्क्वायर फुट नहीं बताया गया कि कम से कम इतनी जगह की जरूरत होगी, मैक्सिमम इतनी जगह की जरूरत होगी। आपके पास जितनी जगह अवेलेबल होगी उसके हिसाब से आप आउटलेट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी ले लेता है, तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलता है वो मैंने उनको पूछा। मैंने उनको पूछा क्या कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है। ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, आप इंदौर जा सकते हो, वहाँ पे उनके जहाँ बड़ा आउटलेट है वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग आपको मिलती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग आपको भी दी जाएगी और आपके अंडर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे सारे लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो ट्रेनिंग के लिए आपको इंदौर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएगी कि एक स्टोर को सक्सेसफुली रन कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके आउटलेट पे शाम के टाइम जबरदस्त भीड़ होती है, तो मैंने इनसे पूछा अगर मैम आपकी दुकान का नाम चाय सुट्टा बार ना हो तो क्या आपके आउटलेट पे इतनी भीड़ होगी।
यही आउटलेट कहीं दूसरी जगह खोला जाए किसी और नाम से तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैंने बोला उनके आउटलेट पे जबरदस्त भीड़ होती है, तो रोजाना कितने कप बिकते होंगे ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो ये सवाल भी मैंने उनको पूछ लिया। अपना राम जी दो का क्रेड भरता है ना, दो क्रेड में कितना, दो क्रेड चला जाता है ना रोज, है ना, तो एक क्रेड में मुझे लगता है 7 बॉक्स आते हैं, बराबर है, तो 14 बॉक्स है, 14 बॉक्स को कर लीजिए 160 कुल्लड़ होते हैं एक में, नहीं 160 को आप 14 से गुणा करो 2240, तो 2240 अपने हमारे रोज ढूंढते हैं, तो 1500 रुपया, 1500 से 1600 उसमें थोड़े बच जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए 1500 से लेके 1600 कप रोजाना बिकते हैं, अगर मैं एक कप का प्राइस 10 रुपए भी पकड़ूं तो होता है 15,000 से लेके 16,000 रुपया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सारे प्रोडक्ट 10 रुपए के नहीं होते, जो खाने पीने का आइटम होता है वो थोड़ा महंगा होता है, कॉफी भी थोड़ी महंगी होती है, और भी अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स है उनकी प्राइस ज्यादा होती है, तो रोजाना कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का सेल तो इनका होता ही होगा, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि इनका अगर 20-25 हज़ार रुपए का सेल होता है तो इनको प्रॉफिट कितना होता होगा। उसके बाद में दोस्तों मैंने उनसे पूछा कि आपने तो ये फ्रेंचाइजी 2.5 साल पहले ली थी इसलिए आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, लेकिन कोई अगर 2021 में ये फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा? नहीं, स्पॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसे है, थोड़ा काम ज्यादा है इसमें, मेहनत जरूर है लेकिन है, प्रॉफिट है, ले सकते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल जो मैंने उनसे पूछा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता होगा, क्योंकि जब हम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, तो मैंने उनको पूछा सारा खर्चा निकालकर इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन बच जाता होगा। मुझे लगता है कि 30% तक होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको चाय सुट्टा पर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं जो मैम ने मुझे बताया था। देखिए, जब इन्होंने अपने आउटलेट की शुरुआत की थी तब इनिशियली इनकी जो दुकान थी उसके अंदर सिंगल फेज की बिजली आती थी, तो क्या होता था कि जब इनकी दोनों मशीन साथ में चलती थी तो कभी मशीन खराब हो जाती थी, कभी वायर ट्रिप हो जाता था, कभी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि जब भी उनकी मशीन खराब हो जाती थी या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो अपने कस्टमर्स को वो सर्व नहीं कर पाते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बिजली को सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद में दोस्तों इनका जो बिजली का चार्ज है वो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो बहुत ही कम हो गए। तो दोस्तों अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आपको नुकसान ना हो तो आप पहले से ही सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करवा के रखिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, ज्यादातर दुकानें जो रेसिडेंशियल एरिया में होती है उनमें सिंगल फेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में होती है वहां पे पहले से 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज कंफर्म करनी होगी कि जहां पे भी आप आउटलेट ओपन कर रहे हैं वो सिंगल फेज में चल रहा है या फिर 3 फेज में चल रहा है। तो अगर सिंगल फेज में तो उसको कन्वर्ट करवा लीजिए, अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तो आपको भी वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो ये मैम ने फेस की थी और इनको बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों अगर आप चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये हार्डवर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।